बहुत मारेंगे तुमको, तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो आजकल। बढ़िया है, पट्टे से हेड शॉट है कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? सो गाइस, जब तक हम नहा रहे थे, अचल ने चाय बना दी। ऐसा पति कर दे तो बड़ा अच्छा लगता है, तो चलिए चाय ले लेते। सो गाइस, हम कमरे में आ गए हैं और चाय भी ले ली है, और आपको दिखाते हैं मेरे कमरे का हाल। सो गाइस, देखिए इस कमरे की हालत, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ओरियो कबड्डी खेल के गई है, लेकिन ये सब मेरे इस राक्षस ने किया है। तो गाइस फाइनली बेड तो साफ हो गया, और देव अब शैतानी करके अगर तुमने गंदा किया तुमको हम बताएं, समझ गए तुम? फूल खाओ ये अंदर से, यहाँ कमरा खुला तुरंत मैडम भागती है। क्या हुआ, भाग खा रही हो? हाँ बस टांगे फैला लो, अब तो खूब मजे से खा के आई हो, है ना? ये देख ये बोली। सो गाइस, देव को कलर करते देख के मेरा भी कलर करने का मन कर गया, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स। सो गाइस चलिए, मैं अपनी ड्राइंग अब शुरू करते हैं। बहुत दिन के बाद ड्राइंग की है, तो हाथ थोड़ा सा हिल रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। गाइस देखिए, ये एलिफेंट रोता हुआ और ये एलिफेंट रोता हुआ, लेकिन मुझसे इसमें गलती क्या हो गई ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो आईब्रोज हैं वो नीचे की तरफ हैं, इसलिए इसका रोता हुआ फेस बहुत ही मासूम सा लग रहा है। उसके बाद हमने अपनी गलती सुधारी और दोबारा से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दी और कलर भी कर लिए। सो गाइस नाउ इट्स डन। बहुत टाइम के बाद बनाया है, कैसा लग रहा है? चलिए शाब जी, लो शाब जी अपने ये पॉपकॉर्न ले लो, हम डर गए यार। तो प्यांशी पढ़ने आ गई, इसको पढ़ाया, लेकिन इन महाशय ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। बना लो टाइम से, मैंने देख जो आज पैसे दिए वो अभी के अभी ले आ। तुम ना ये रिश्वतखोरी वाली बातें सबके सामने मत किया। अब वो गांधी जी के तीन बंदर एक साथ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आप बताओ ये कम है? सही कहते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो अंदर ही थे। सो गाइस, हमारा आज का डिनर रेडी हो चुका है। राइस है, दाल है, सैलेड है, और ये है हमारी छाछ। तो चलिए खाना खाते हैं। सो गाइस, हम फिर से किचन में आ चुके हैं और हम आपको बना के दिखाएंगे ओरियो आइसक्रीम, जो कि देव का बड़ा मन है ओरियो आइसक्रीम खाने का, तो हमने सोचा क्यों ना बनाई जाए। तो खाना बना हो चुका है, अब ओरियो आइसक्रीम बनाएंगे, रात में जमा रख देंगे फ्रिज में जमने के लिए, सुबह तक वो रेडी हो जाएगी, तो कल खाने में मिल जाएगी। तो चलिए हम ओरियो आइसक्रीम बनाते हैं। ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए गाइस हमने लिए हैं 3 ओरियो के पैक, क्योंकि हम अचल और देव 3 लोग हैं। 2 चॉकलेट्स लिए हैं ये हमने डेरी मिल्क की, और ये 1 ग्लास में दूध लिया है, और साथ में लिया है ये बेलन। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं बेलन का क्या करना है। Let's get started. इस ओरियो आइसक्रीम को ऐसे करके लेंगे, ऐसे इसको पकड़ के पर टच करके पता चल जाएगा ये फूट गई है, अभी अच्छे से फूट चुकी है। तो वो इस बेलन से हम इस ओरियो बिस्किट के पैक को फोड़ेंगे, इसका इस्तेमाल यही है, और इसको तब तक फोड़ते रहेंगे जब तक ये अच्छे से फ्रेश ना हो जाए। ये अच्छे से हो चुके हैं, ऐसे ही करके हम सारे कर लेंगे। सो गाइस, अब हम लेंगे ये 3 कप, क्योंकि इसमें जब हम ये बिस्किट का पैकेट डालेंगे तो ये ऐसे सीधा रहना चाहिए, तो अब हम इसको ऊपर से ऐसे करके कट कर लेंगे। करके हम 3 पैकेट्स को कट कर लेंगे और इसके अंदर रख देंगे। सो गाइस, अब हम ये डेरी मिल्क की 2 चॉकलेट्स ले लेंगे और इसको ऐसे हाथ से क्रश कर लेंगे, इस तरह से दोनों को ऐसे ही कर लेंगे, तोड़ लेंगे।
और कैची से काट कट करके गाइस अब ये दूध है, अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। इसमें ये दूध पड़ चुका है। अब देखिए गाइस ये कप इसलिए थे ताकि इनमें हमने जो ये भरा है इस ये रैपर जो है ये इसकी वजह से बिल्कुल स्ट्रेट बना रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, मेरे पास स्टिक्स तो है नहीं आइसक्रीम वाली, तो हम इन फॉक्स को इसके अंदर लगा देंगे। हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है, अब हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए। अब बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो चलिए इन्हें हम फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, हम रख देंगे यहाँ फ्रीजर में जमने के लिए रात भर के लिए। अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देव तो कल बहुत खुश हो जाएगा जब देखेगा। तो चलिए फ्रीजर बंद कर देते हैं। सो गाइस आइसक्रीम तो हमने फ्रिज में रख दी है, कल सुबह देव को देंगे हम ये सरप्राइज। और फिलहाल ये बचा हुआ दूध हम पी लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो गाइस अब हम लोग अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी चैनल को लाइक नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सॉरी और बेल आइकन प्रेस करना है। Good night, friends. Good night.